हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है वेरिफिकेशन इन पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बाय मेथड ऑफ सेपरेबल्स से हम क्या है इसका सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें वेव इक्वेशंस पता होनी चाहिए सिलेंडर का पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो हम वही लिखते हैं। वेव इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज डेल का स्क्वायर यू डेल आर का स्क्वायर 1 बाय आर डेल यू अपॉन में डेल आर प्लस में 1 बाय आर का स्क्वायर डेल का स्क्वायर यू डेल आर का स्क्वायर प्लस में डेल का स्क्वायर यू अपॉन में डेल जेड का स्क्वायर इसको उस में 1 बाय सी का स्क्वायर डेल यू डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या है पूरी पूरी वेरिफिकेशन है सिलेंडर के पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए होती है हमारी। ठीक है, जब भी हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा हमें इसे याद करना होगा कि हमारे लिए ये इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा यू है वो किस तरह के ये है, जो है यू किस किस पर डिपेंड कर रहा है, आर, ठीक है, आर जेड टी। ठीक है, और हमारा एक थीटा पर भी डिपेंड करेगा, यहाँ थीटा का स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी इक्वेशंस है, पूरी पूरी इक्वेशन है जो है हमारे वेव इक्वेशंस की है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, लेट दी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आर थीटा, ठीक है, जेड और टी। ठीक है, ये चारों हैं, तो इसके लिए हम एक एक कर लेते हैं। आर को हम आर से कर लेते हैं, ये जो है आर है, आर के जो फंक्शन है वो आर पर है, और जो है एफ का है वो थीटा है, जेड है टी का है और टी टी है। ठीक है, ए आगे हमारी ये आ गया। ठीक है, अब इसी में वेयर वेयर आर इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली। ठीक है, यहाँ पर आर है वो आर का फंक्शन है, और एफ का है वो है थीटा का है, और जो हमारा जेड है वो क्या है, जेड का है, और जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी का है। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन टू। इक्वेशन टू मानकर आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे हमें क्या करना होगा, आगे हम इसी में क्या करते हैं, जो इसे है आर के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके पार्शियली हम उन वैल्यूज़ को इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे करेंगे कि नाउ डी यू, अगर मैं इसका आर के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो थीटा जेड और टी तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट की तरह होंगे, ट्रीट किए जाएंगे, तो ये तीनों हमारे कॉन्स्टेंट हो गए डेल आर अपॉन में आर, इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यूज को हमें यहाँ पुट करना रहेगा, ऐसे ही हम हमें यहाँ ये वैल्यू चाहिए होगी तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेंगे एक बार दोबारा से रिप्रेजेंट करके, डेल का स्क्वायर डेल यू आर का स्क्वायर एफ जेड टी डेल का स्क्वायर आर डेल आर का स्क्वायर। डेल यू अपॉन में डेल थीटा, तो हमारे कौन कौन से कांस्टेंट होंगे, हमारे कांस्टेंट यहाँ होंगे आर जेड टी, तो आर जेड टी, और हमारा आएगा डेल एफ अपॉन में डेल थीटा, क्योंकि हमें वहाँ पर डेल का स्क्वायर है तो हमें एक बार और करना पड़ेगा डेल यू अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर, तो तुम आर जेड टी इस तरीके से रहेंगे डेल एफ
डेल थीटा का स्क्वायर। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम सिमिलरली लिख लेते हैं, डेल यू अपॉन में डेल जेड का स्क्वायर में भी हमारा क्या होगा, जेड वाली टर्म कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, बाकी के और वैल्यूज हमारी कॉन्स्टेंट हो जाएंगी। तो आर एफ टी डेल, अब हमारा क्या है जेड है, जेड डेल जेड का स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा क्या होगा लास्ट जो हमारी टर्म है, डेल यू अपॉन डेल टी का स्क्वायर, इसमें होगा आर एफ जेड डेल का स्क्वायर यू टी टी आ जाएगा, ठीक है, डेल टी का स्क्वायर। ये सभी वैल्यू आ जाएंगी। अब जो हमारी लास्ट में हमने ये सभी वैल्यूज निकाली हैं, इन सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन थ्री मान लें, और इन तीन इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है डिफाइन की हुई थी हमने, उसमें पुट करेंगे। नाउ पुट इक्वेशंस थर्ड इन इक्वेशंस फर्स्ट, जब हमने इक्वेशन थर्ड का इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं तो हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, एफ जेड की एफ जेड टी डेल का स्क्वायर आर डेल आर का स्क्वायर, फिर हम वन बाय आर है हमारा, ठीक है, उसे आर लिखेंगे और आएगा हमारा एफ जेड टी और डेल आर अपर में डेल आर, ठीक है, यहाँ आएगा वन बाय आर का स्क्वायर, और उसकी वैल्यूज थी हमारे पास डेल यू अपॉन में डेल थीटा का स्क्वायर की इक्वल होगी, तो होगी आर जेड टी डेल का स्क्वायर एफ डेल थीटा का स्क्वायर। फोर्थ टर्म की वैल्यूज रखेंगे हम, तो वहाँ है आर एफ टी डेल का स्क्वायर जेड, ठीक है, और डेल जेड का स्क्वायर इसको बाय सी का स्क्वायर, और इसमें हम डेल का स्क्वायर टी डेल टी का स्क्वायर, इस तरीके से आ गई है। अब इस इक्वेशंस फोर में हम क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं। अब इस इक्वेशंस को पूरी को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इक्वेशन इसे मान रहे हैं फोर, ठीक है, इक्वेशन फोर थ्रू आउट बाय आर एफ जेड टी, ठीक है, ये चार टर्मों से हम इसे पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा आर वन बाय आर बचेगा डेल आर का स्क्वायर, ठीक है, जाएगी वैल्यूज। उसके बाद है प्लस वन बाय आर, यहाँ से आर बचेगा डेल आर अपॉन प्लस में वन बाय आर का स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा हमारा एफ स्क्वायर एफ डेल थीटा का स्क्वायर। इस तरीके से हमारी सभी टर्म में जो जो हमारी बच रही हैं हम उस तरीके से उन्हें लिख रहे हैं, ठीक है, टी स्क्वायर सी अपॉन डेल का स्क्वायर टी अपॉन डेल टी स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारी आगे इक्वेशन। अब इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो एल एच एस साइड है, साइड डिपेंड ऑन किस पर कर रहा है, आर था थीटा और जेड, आर थीटा एंड जेड, एंड आर एच एस डिपेंड्स ऑन ओनली टी, टी पर डिपेंड कर रहा है, सो इक्वेशन इक्वेशन हम इसे दे देते हैं फाइव नाम दे रहे हैं हम इसे, सो इक्वेशन फाइव इज सॉल्व व्हेन वी टेक बोथ साइड इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, जिसे हमने क्या कर रहे हैं स्क्वायर से, ठीक है, माइनस का एम का स्क्वायर लिया है। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम आर एच एस साइड को ले रहे हैं, तो वन बाय टी सी का स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर इसको माइनस का एम का स्क्वायर, इसे फिर से रीअरेंज करते हैं, डेल टी का स्क्वायर इसको एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर हम इसे
इक्वल की दूसरी साइड ला रहे हैं, दैट डी का स्क्वायर प्लस में एम सी डी इक्वल्स टू में जीरो। तो अब हमारे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डेल टी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी रहे, आर एच एस साइड है, ठीक है। अब हम इसमें इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो जब भी हमारे प्लस में होती हैं इस तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में होती हैं, तो हम इसकी वैल्यूज क्या निकालते हैं, कोई एक कॉन्स्टेंट के साथ निकालते हैं। तो ये ए कॉस, जो यहाँ हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं उन्हें रखते हैं, एम और सी है हमारे, और ए टी है, प्लस में बी साइन एम सी टी। इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज आ जाते हैं। अब हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं जिससे हमें आसानी रहे कि जो हमारे टी टी की वैल्यूज थी वो हमारी क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम एल एच एस साइड ले रहे हैं, एल एच एस साइड को माइनस एम की इक्वल रख रहे हैं, वन बाय आर डेल का स्क्वायर आर डेल आर स्क्वायर प्लस में वन बाय आर डेल आर डेल आर प्लस में वन बाय आर का स्क्वायर एफ डेल स्क्वायर एफ डेल थीटा का स्क्वायर इस प्लस में वन बाय जेड डेल जेड डेल जेड का स्क्वायर इस कॉस्ट में माइनस का एम का स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गए हैं। अब इसी वैल्यूज को आगे हम रीअरेंज करते हैं, जो इस वाली वैल्यूज को हम यहाँ ले आते हैं और ये वाली जेड वाली पे डिपेंड कर रही है, तो इसे दूसरी साइड ले आते हैं। तो हम आगे रीअरेंज कर रहे हैं इसे, डेल आर का स्क्वायर प्लस में वन बाय आर डेल आर प्लस में वन बाय आर का स्क्वायर एफ डेल थीटा का स्क्वायर, एम को इधर ले आए तो एम प्लस में आ गया स्क्वायर, ये होगा माइनस का जेड डेल जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस पर फिर से लिखेंगे, इस वाली वैल्यूज को हम एक स्टार में रख देते हैं जिससे हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। अब इस इक्वेशन से हमारी 5 हो चुकी हैं, इसे हम रख रहे हैं 6, ठीक है। तो एल एच एस डिपेंड ऑन आर एंड थीटा, हमारी आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ दिख रहे हैं, एंड आर एच एस डिपेंड ओनली ऑन जेड। सो द सॉल्व इक्वेशन 6, ठीक है। हमें क्या करनी है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व इक्वेशन 6 व्हेन वी टेक बोथ साइड इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट से के का स्क्वायर, ठीक है। हमने उस कॉन्स्टेंट को क्या माना है, के का स्क्वायर माना है। अब हमें आर एच साइड को के स्क्वायर के इक्वल करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को भी करेंगे, ठीक है। में है हम जो है राइट हैंड साइड को करने, तो वो है वन बाय जेड डल जेड डल जेड का स्क्वायर इस कॉस्ट्यू में के का स्क्वायर, ठीक है। इसे फिर से रीअरेंज करते हैं, डेल जेड का स्क्वायर, और हम क्या करते हैं माइनस के साइन ले जाते हैं दूसरी तरफ और जेड को ले जाते हैं। फिर इसे रीअरेंज करा हमने, डेल जेड का स्क्वायर प्लस में के का स्क्वायर जेड इस कॉस्ट में जीरो। ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब इसी के बाद अब हमारा इसका सॉल्यूशंस क्या होता है, इसका सॉल्यूशंस होता है ये हमारी कौन सी साइड चल रही है, आर एच एस साइड, ठीक है। तो जेड, ठीक है, जेड हमारा किसका फंक्शन है, जेड के लिए है। तो अब हमें ए और बी कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दें, तो हम सी लेते हैं, सी कॉस के जेड प्लस में डी साइन के जेड, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बचा है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा वन बाय आर डेल आर का स्क्वायर वन बाय आर डेल आर का स्क्वायर वन बाय एफ आर का स्क्वायर एफ डेल थीटा का स्क्वायर इसकोस टू प्लस में यहाँ एम का स्क्वायर था और फिर के का स्क्वायर था, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, आगे हम इस इक्वेशंस में पूरे के पूरे इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, इस कॉन्स्टेंट को इधर लेके आ रहे हैं, जो हमारी ये वैल्यूज है, ठीक है, जो आर वाली है, इसे हम इधर की साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वह वन बाय आर डेल आर का स्क्वायर
प्लस में वन बाय आर डेल आर, डेल आर का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर और माइनस का के का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सारी वैल्यूज माइनस में हो जाएगी, आर का स्क्वायर डेल एफ डेल थीटा का स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक कांस्टेंट डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। हम आगे लिख देंगे कि हम इसे एक कांस्टेंट लेके चल रहे हैं और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसे हमने मान रहे हैं लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एफ, और हम क्या कर रहे हैं इसी को आगे हम क्या करें, आर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन को। तो हम पहले ये लिख देते हैं कि हमने एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को लैम्डा का स्क्वायर माना है, ठीक है, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे हमें इसमें ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपॉन में आर डेल आर, डेल आर का स्क्वायर प्लस में वन बाय एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा आर डेल आर अपॉन में डेल आर प्लस में लैम्डा का स्क्वायर आर का स्क्वायर, यहाँ बचा वन बाय एफ डेल का स्क्वायर एफ डेल थीटा का स्क्वायर। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब इसी में ही हमें क्या करना है, इसको हम इक्वेशन मान रहे हैं 7, और जो हमारा अभी जेड का सॉल्यूशन आया था उसे हम हाईलाइट करके उसे मान लेते हैं डबल स्टार, ठीक है। डबल स्टार मान लिया हमने इसको सॉल्यूशन को, क्योंकि आगे हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे इसलिए, ठीक है। अब इसको हमने 7 इक्वेशन मान लिया है। अब इस 7 इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाली तो आर पे डिपेंड है और ये थीटा पे डिपेंड है, तो हम लिखेंगे LHS साइड डिपेंड ऑन आर एंड RHS साइड डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा। सो इक्वेशन 7 कैन बी सॉल्व कैन बी सॉल्व इफ बोथ दी साइड आर इक्वल टू सम कांस्टेंट से एन का स्क्वायर। हमने एन का स्क्वायर कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आर एस साइड को इक्वल रखेंगे एन के स्क्वायर के इक्वल, और लेफ्ट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसे भी आर को एन के स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, ठीक है। अब हमने आर एच एस साइड करनी है, तो ये होगी वन बाय एफ डेल थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू एन का स्क्वायर। इस माइनस को साइन को हम इधर ले जाते हैं, डेल एफ डेल थीटा का स्क्वायर, और माइनस का साइन इधर ले गए हैं और एफ को ले गए हैं, ठीक है। और इसे फिर से रीअरेंज करा हमारे तो आया डेल एफ डेल थीटा का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर एफ इक्वल्स टू में 0। अब इसका हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एफ ये थीटा का है, थीटा का आएगा, और हमने ए बी सी डी हो गया हमारे कॉन्स्टेंट, हम एक नया कॉन्स्टेंट लेते हैं ई, उसमें लिख देंगे कॉस एन थीटा एफ साइन एन थीटा, ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। और इसी को हम हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कि हमें हमारी वैल्यूज पुट करने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई है सॉल्यूशन के लिए। एक लास्ट हमें अब निकालना है आर, ठीक है। अब आर के लिए निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एन के इक्वल पुट कर रहे हैं, आर का स्क्वायर आर डेल आर, डेल आर का स्क्वायर प्लस में आर डेल आर प्लस में लैम्डा का स्क्वायर आर कॉस में एन, ठीक है। अब अगर हम इसमें एन के स्क्वायर को इधर ले आते हैं और आर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर डेल आर वन बाय आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा
आर डेल आर, यहाँ से लैम्डा आर का स्क्वायर, इसे इधर दूसरी साइड ले आते हैं, और हमें किससे मल्टीप्लाई करा था, आर से, पूरी क्वेश्चन को, तो हमारा आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम लेट करें, लेट लैम्डा और आर, लैम्डा और आर है वो हमारा एक्स है। ठीक है, तो अगर मुझे डेल आर अपॉन में डेल आर निकालना है, तो एक्स के फॉर्म में अगर मुझे निकालना हो, डेल एक्स अपॉन में डेल आर। ठीक है, अब मुझे डेल एक्स अपॉन में डेल आर निकालूंगी, तो यहाँ से हमारा बचेगा लैम्डा, मतलब इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, लैम्डा आएगी। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ लैम्डा डेल आर डेल एक्स। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से करती हूँ, डेल आर डेल एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा लैम्डा डेल आर डेल एक्स का स्क्वायर, और हमारे आएगा डेल एक्स अपॉन में डेल आर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, लैम्डा थी, तो लैम्डा का स्क्वायर डेल आर डेल एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है। और इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, तो इसे मान लेते हैं हम 8। पुट ऑल द वैल्यूज इन्हें मान रहे हैं हम 90 ऑफ इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 में हम पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, आर का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर डेल स्क्वायर आर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस में लैम्डा आर डेल आर लैम्डा आर का स्क्वायर आर स्क्वायर टू में 0। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू आ गई है। अब हमें पता है कि जो हमने आर और लैम्डा है वो क्या माना, एक्स, तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स का स्क्वायर डेल आर डेल एक्स का स्क्वायर एक्स डेल आर डेल एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर एन का स्क्वायर आर स्क्वायर टू में 0। अब इस पूरी इक्वेशन को हमें क्या करें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो हमें इसे फिर से रीअरेंज कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि डी आर डेल एक्स का स्क्वायर, यहाँ से बना एक्स 1/x डेल आर डेल एक्स, यहाँ से होगा 1 - n का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आर स्क्वायर टू में 0। अब ये हमारी किस तरीके की इक्वेशन है, ये हमने पढ़ी हुई है, ये हमारी होती है बेसल इक्वेशन। ठीक है, अब बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, विच इज बेसल्स इक्वेशंस, ठीक है, इन विच सो सॉल्यूशन इज, हमारा क्या था, आर एक्स की फॉर्म में था, तो होगा ए डैश ले लेते हैं हम जेन एक्स एक्स, बी डैश जेड एंड माइनस एक्स, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। अब एक्स हमारा क्या था, लैम्डा आर था, यहाँ ये एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ होगा ये लैम्डा का आर, क्योंकि यहाँ लैम्डा तो हमारा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ हम आर की तरह रखेंगे, तो ये आर, क्योंकि हम यहाँ फंक्शंस रखते हैं। ठीक है, और यहाँ हम एक्स की पूरी वैल्यू रखेंगे, लैम्डा आर बी डैश जे माइनस एन लैम्डा आर, ये हमारी क्या है, बेसल इक्वेशन है, इसी को हम हाईलाइट कर लेते हैं और इसे हम दे देते हैं 4 स्टार। ठीक है, तो हैंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 * डबल स्टार ट्रिपल स्टार एंड 4 * ठीक है, अब हमारा क्या है, यू आर थीटा जेड टी, इसमें हमें सबसे पहले आर आर की वैल्यू रखते हैं, तो होगा ए डैश जे एन लैम्डा आर बी डैश जे एन माइनस एन लैम्डा आर, इस तरीके से हो गया। ठीक है, आगे हमें किसकी वैल्यू रखनी होती है, एफ थीटा की, एफ थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, हमारी है ई कॉस एन थीटा प्लस में एफ साइन एन थीटा, उसके बाद हमें जेड की रखनी है, तो होगा सी कॉस के जेड प्लस में, यहाँ बराबर नहीं आएगा,
डी साइन के जेड, और लास्ट में हमें टी टी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो है यहाँ पर ए कॉस एम सी टी, बी साइन एम सी टी, और ये हमारा क्या हो गया पूरी इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो गया, जो कि हमारा किसमें यू आर थीटा जेड और टी के फॉर्म में है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से वीडियोस को देखिए, क्योंकि बड़ी बड़ा सॉल्यूशंस है इसका, तो इसे एक दो बार रिपीट कर करके देखें जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, उसमें जो कंसेप्ट है वो समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।